उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ अपनी तमाम खसूसियात की वजह से सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में और दूसरे ममालिक में भी काफ़ी मशहूर है। यहाँ का अलीगंज वाक़े हनुमान जी का मंदिर, जहाँ पर चांद तारे का निशान हिंदू मुस्लिम यकजहती की एक जिंदा जागती मिसाल है, तो वहीं झाऊलाल का इमामबाड़ा, जो झाऊलाल के जरिए ठाकुरगंज में बनवाया गया था, उसकी भी मिसाल नायाब है। इसी तरह से वाकई हिंदुस्तान के इस मशहूर मारूफ बड़े इमामबाड़े में तमाम तरह के प्रोग्रामों का इनेकाद होता है। आज मशहूर मारूफ आलिम दीन मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद अथर साहब के पहले देसी की मजलिस का इनेकाद इसी बड़े इमामबाड़े में किया गया, जहां पर खसूसी तौर पर इस उत्तर प्रदेश के गवर्नर आली जनाब राम नाइक साहब भी और लोगों के साथ मौजूद थे। मौत उसकी है करे जिसका जमाना अफसोस, यूं तो दुनिया में सभी आए हैं मरने के लिए। दुनिया में हर रोज लाखों अफराद पैदा होते हैं और लाखों मर जाते हैं। मरने के बाद गर्दिशे वक्त की नजर हो जाते हैं मरने वाले अफराद। बहुत कम ऐसे खुशबख्त अशखास होते हैं जिन्हें उनके मरने के बाद भी हमेशा याद किया जाता है। इसी तरह की एक अजीम शख्सियत का नाम है मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद अतहर। लगता है कल की ही बात है कि लखनऊ हो या फिर दूसरे किसी शहर का मेंबर, और इस मेंबर पर अपने खुसूसी अंदाज के साथ मुस्कुराता हुआ चेहरा लिए खतीब अकबर, जो सिर्फ बुजुर्गों को ही मुतासिर नहीं करते थे बल्कि नौजवानों और ख्वातीन में भी उनके अंदाज बयां की दाद देने वालों की कमी ना थी। वक्त का काफिला आता है गुजर जाता है, आदमी अपनी ही मंजिल पे ठहर जाता है। शायद ये शेर आज के इस मौके पर सही साबित होता है। मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद अतहर साहब के इंतकाल को आज एक साल पूरा हो गया। उनके इंतकाल की पहली बरसी पर आज लखनऊ के तारीखी बड़े इमामबाड़े में उनके देसे की मजलिस का इनेकाद किया जा रहा है। लखनऊ के तारीखी बड़े इमामबाड़े में मौलाना मौसूफ को खिराज अकीदत पेश करने के लिए अलग अलग तंजीमों ने सबीलों का अहतमाम किया था। या रब मेरे मरने को फसाना कर दे, सिमते शह मजलूम रवाना कर दे, हूँ दफ्न तहे खाके शिफा, मिट्टी मेरी तस्बीह का दाना कर दे। दूसरी जानिब लखनऊ के मुहर्रम को फोटोग्राफी नुमाइश के जरिए फरोग देने में अहम किरदार निभाने वाले जनाब एस एन लाल के जरिए लगाई गई मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद अतहर साहब क़िबला ताबसरा की जिंदगी के मुख्तलिफ लम्हात को यकजा करके लगाई गई फोटो एग्जीबिशन ने भी इस मौके पर तशरीफ लाए लोगों को काफी मुतासिर किया। ये कलेक्शन जो है, जब उनका इंतकाल हुआ था तब से लोगों ने अपना अकीदा उनके लिए दिखाने के लिए लोग फेसबुक पे फोटो डालते रहे, तो मैं उसको कॉपी कर लेता था, लेकिन ये जहन में नहीं था कि एग्जीबिशन लगेगी। तो हुआ ये कि आज़म साहब मेरे साथ जुड़े, आज़म साहब के बहुत से खींचे फ़ोटो थे, इतना और भी लोगों से आज़म ने ताल्लुक़ किया, हमने ताल्लुक़ किया, जो जो जिन्हें जिन्हें अतहर नबी साहब इन पर अतहर साहब पर काम किया उनके फोटो हम लोगों ने उनसे इधर एक महीने के अंदर लिए, बाकी हमारे पास एक साल का कलेक्शन था। मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद अतहर साहब एक शख्सियत थे और बहुत बड़े आलिम थे, और तो हमने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए कि लोग जो हैं उनकी पुरानी यादगार तस्वीरों को देख के कुछ इबरत हासिल करें। आपसी इत्तेहाद, लोगों में इल्म के फरोग और इंसानियत के पैगाम को पूरी दुनिया में फैलाने वाले मौलाना मौसूफ के इंतकाल को कब एक साल हो गया पता ही ना चला, लेकिन वक्त की रफ्तार तो चलती है और वो चलती रहेगी। लखनऊ में 26 फरवरी 2017 को मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद अतहर के पहले देसे की मजलिस में शामिल होने के लिए हिंदुस्तान समेत पाकिस्तान, ईरान, इराक, लंदन, हॉलैंड और कई दूसरे ममालिक से भी काफ़ी लोगों ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। बेशक सबसे बड़ा लखनऊ का शिया सुन्नी मसला जब हल हुआ है तो अगरचे मुआहदे पर उनके दस्तखत नहीं है, लेकिन पसे पर्दा हम और तमाम मीटिंग में भी हमेशा हमारे साथ रहे और हम लोगों ने मिलजुल कर इस काम को भी कर लिया, जो लखनऊ का इतना बड़ा काम था जिससे पूरे हिंदुस्तान में एक अमन की लहर गई, शिया सुन्नी आपस के इतिहाद की लहर गई। ये बहुत एक अहम मौका है कि हमारे दरमियान से जो खिताबत के मैदान के ऐसे शहसवार थे कि मैं समझता हूँ कि जितनी भी उनकी तारीफ़ और खिदमात का एतराफ़ किया है कम है, और आज उन्हीं की बरसी का मौका है जब साल मुकम्मल हो रहा है और उसी बरसी के मौके के ऊपर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों से एक मजमा आया हुआ है जिसमें उलामा भी हैं और दूसरे भी इंटेलेक्चुअल्स भी हैं, सब अकीदत पेश करने के लिए आए हैं। आलमपुर देवरा का
منظر یاد ہے کہ رات کو 11 بجے حیدرگڑھ سے وہ اونٹ پہ جس پہ گیہوں لد کے اس زمانے میں آیا کرتے تھے بیٹھ کے آئے اور سیدھے وہ ممبر پہ گئے اور انہوں نے مجلس کو خطاب کیا. آج ان کی وہی سادگی ہے کہ ان کی یاد میں اتنا بڑا مجمع ان کی برسی کے موقع پہ آیا. آج ہی کا دن وہ تھا 26 فروری کہ جب ان کا انتقال ہوا تھا. پورا ایک سال ہوا لیکن محسوس ہی نہیں ہو رہا ہے کہ ایک سال گزر گیا. شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ خطیب اکبر لوگوں کے نظروں کے سامنے خالی نہیں بلکہ ان کے دلوں میں بیٹھے. مجلس جو تھی فضائل و مصائب اہل بیت پر مبنی رہتی تھی, اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کہتے تھے اور ولایت امیر المومنین پر خاص طور سے زور دیتے تھے. اور جو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی ضرورت ہے دین کی, ولایت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام, اس کے اوپر زور دیتے تھے. اور اس کے ساتھ ساری دنیا میں جو پہچانے جاتے تھے اس میں خاص بات یہ تھی کہ ہمارے شہر یعنی لکھنؤ کی جو زبان ہے وہ زبان ان تمام خطبہ میں اس دور کے خطیب اکبر مولانا مرزا محمد اطہر صاحب کے پاس تھی. ہم نے ان کی زندگی سے جو لہجے کی نرمی ہے اس کے ساتھ ساتھ بات, میری مرزا محمد اطہر صاحب قبلہ سے ایک تفصیلی گفتگو رہی اور میں نے ان سے یہ پوچھا کہ قبلہ یہ بتائیں کہ آخر آپ کے خطیب اکبر ہونے کا راز کیا ہے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ بیٹا ہمارا خطیب اکبر ہونے کا راز یہ ہے کہ جس زمانے میں لوگ ثقیل اور دقیق گفتگو ممبر پر بیٹھ کے کرتے تھے اس زمانے میں ہم نے اپنے لہجے کو اپنی زبان کو بالکل آسان کر دیا اور لوگوں تک پہنچایا. پہلے کے جو خطیب تھے وہ 500 علماء کے لیے بیان کرتے تھے لیکن ہم نے اس کو 500 علماء کے لیے نہیں بلکہ ہم نے اپنی بات کو 5000 مومنین کے لیے رکھا. تو ایسی شخصیت تھی جن کے بڑے خدمات ہیں قوم کو جوڑنا اور ان کے مسائل کو حل کرنا, اور بڑے اچھے انداز میں خطابت کے ذریعے ایک ماحول اچھا بنانا, سازگار ماحول بنانا, یہی وجہ ہے کہ خطیب اکبر خطیب اکبر ہوئے. خطیب اکبر مولانا مرزا محمد اطہر صاحب کی پہلی برسی کے موقع پر ہوئے اس خصوصی پروگرام میں ملک کی کئی مائناز شخصیتوں کے ساتھ اتر پردیش کے گورنر عالی جناب رام نائک صاحب خصوصی طور پر تشریف لائے. جناب رام نائک کا استقبال کرنے کے لیے بڑی تعداد میں عالم دین شیعہ پرسنل لا بورڈ کے چیئرمین جناب مولانا مرزا محمد اشفاق اور مولانا ڈاکٹر یاسوب عباس سمیت دیگر شخصیتیں بھی موجود تھیں. ان کی مدرسہ سے پڑھائی سے لے کر کالج کی پڑھائی, کالج میں ایم اے میں سب سے زیادہ مارک لے کر آئے, پھر شکشک بنے, کالج کے پرنسپال بنے, اور یہ کرتے سمے سارے سماج کو شکشت کرنے کا ایک دیہ انہوں نے اپنے رکھا. اور کیول کاغذی پڑھائی نہیں تو الگ الگ ڈگری کے کام بھی کیسے ہو سکتے ہیں وہ بھی کیے, لیکن ان کے جو پروچن ہوتے تھے ممبئی میں وہ پروچن کے لیے آتے تھے ممبئی کی جو مسجد ہے اس میں, اور انہوں نے لمکا کا بک کا ریکارڈ بھی بنایا ہے کیونکہ 58 ورش وہ نیمتتا سے ہر سال آتے تھے ایسے ایک بزرگ. اور ان کی بات جو ہے وہ کیول لکھنؤ کی اور ممبئی کی نہیں رہتی تھی تو سارے ہندوستان کی ہو جاتی تھی, اور سارے ہندوستان کی نہیں تو جہاں جہاں ان کی بھاشا سمجھنے والے لوگ دنیا میں ہیں وہاں ان کی آواز جاتی تھی ٹیلی ویژن سے ریڈیو کے ذریعے, اور اتنا ہی نہیں تو کئی دیشوں میں وہ جا کر بھی یہ جو سندیش ہے وہ دیتے رہے. آج برسی ہو گئی ہے, ایک پہلی برسی ہے, اور پہلے برسی کے سمے پر میں ان کو پرنام کرنے کے لیے ان کی آتما کو آیا. مولانا مرزا محمد اطہر اپنی خطابت سے مجمع کے دلوں میں ایک طرف عشق خدا کے ساتھ ساتھ محمد اور آل محمد کے لیے محبت کا جذبہ پیدا کرتے تھے تو وہیں دوسری طرف وہ لوگوں میں خوف خدا بھی پیدا کرتے تھے. وہ لوگوں کو محنت کر کے روزی کمانے کا درس بھی دیتے اور ساتھ ہی ساتھ انہیں انسانی حقوق کی ادائیگی کی تلقین بھی کر جاتے تھے. سماج میں ایک بہت بڑا میسج جائے گا, ہماری یونٹی کا میسج جائے گا, اور ہمارے دیس پردیس سے لوگ آئے ہوئے ہیں, یہ بھی ایک بہت بڑا میسج ہے کہ ایسی شخصیت لکھنؤ میں تھی جن کی آج دیسے کی مجلس میں تمام دنیا سے لوگ آئے ہوئے ہیں, لندن سے, پاکستان سے, ایران سے, عراق سے, کافی دور دور دیش ودیشوں سے لوگ آئے ہوئے ہیں, تو یہ بہت بڑا میسج ہے. بہت صاف دل کے تھے اور پولیٹکس سے دور رہتے تھے, زیادہ پولیٹکس میں نہیں جاتے تھے, اور ساری یونٹی بنا کے رکھتے تھے, اور کافی جگہ دور دور جیسے ممبئی میں 50 سال انہوں نے عشرہ پڑھا, اور اس کے بعد آخری عشرہ بھی پڑھ کے آئے ممبئی,
तो इसलिए उन्हें लोग फॉलो करते हैं। बहुत अच्छी शख्सियत थी, एक शख्स नहीं शख्सियत का नाम है अथर साहब। क्योंकि उनकी खिदमत ऐसी हैं कि हमेशा जो है फ़ज़ाइल आले मोहम्मद की जो वकालत की है उन्होंने हमेशा, और मेंबर को कभी सियासत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया, अपने ज़ातियात को कभी मेंबर पर बयान नहीं किया ख़तीब अकबर ने, यह सबसे बड़ी खूबी रही है। जब भी बयान किया आले मोहम्मद के फ़ज़ाइल बयान किया, बस और कुछ नहीं। मज़हब के साथ साथ ह्यूमैनिटी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे, और आज के ज़माने में जो भी ह्यूमैनिटी को तरजीह देगा उसका नाम जब तक दुनिया है जब तक के नाम उसका रहेगा। हज़रत की मजलिस में काफ़ी बड़ी तादाद में सुन्नी हज़रत आते थे, और लखनऊ यूनिवर्सिटी के तालिबे जो उर्दू के थे वो ज़रूर आते थे। आज भी कितने मेरे ख्याल से करीब 20-25 सुन्नी हज़रत हमारे साथ आए हैं जो उर्दू से मोहब्बत रखते हैं और जिनको हज़रत ने पढ़ाया है। तो आपकी मजलिस में सबसे बड़ी बात ये थी कि बहुत आसान होती थी मजलिस, हम लोग को समझ में आता था, हम लोग सुन्नी हैं ज़्यादा मालूम नहीं होती थी, लेकिन उनकी मजलिस में हमको मालूम बहुत ज़्यादा होती थी, इसीलिए आज 20-25 सुन्नी हमारे साथ आए हैं और हम खराज अकीदत पेश करते हैं। वो एक शख्स खिताबत सिखा गया सबको, वो एक शख्स खिताबत सिखा गया सबको, अदब शऊर सलीका बता गया सबको। मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद अथर साहब को खिराज अकीदत पेश करने के लिए हिंदुस्तान समेत दूसरे ममालिक से काफ़ी तादाद में लोग तशरीफ़ लाए। करबलाए मौला इराक़ से तशरीफ़ लाए जनाब अमजद अल इबादी भी मौजूद थे। मुद्दतों लज्जत उठाई है तेरी तकरीर से, मुद्दतों लज्जत उठाई है तेरी तकरीर से, बैठ कर बातें करेंगे अब तेरी तस्वीर से। लखनऊ के तारीखी बड़े इमामबाड़े में मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद अथर साहब की पहली बरसी के मौके पर हुई मजलिस में पेशखानी करने के लिए बैनुल अक्वामी शोहरत याफ्ता शायर रेहान आज़मी साहब भी इस मौके पर ख़ास तौर पर मौजूद थे। बात यह है कि मौलाना साहब का जो खिताब खतीब अकबर हुआ वो मेरे ख़्याल से उस जिक्र की और उस शख्सियत की मोहब्बत और हुब में हुआ है जिसके लिए अल्लाह ताला ने कहा कि फ़स्करूनी अस्करुकुम, तूने मेरा जिक्र किया मैं आज से तेरा जिक्र हूँ। खतीब अकबर जनाब मिर्ज़ा मोहम्मद अथर साहब को खिराज अकीदत पेश करने के लिए यूं तो जगह जगह से लोग यहां पर आए हुए थे, लेकिन आज की इस मजलिस को खिताब करने के लिए पाकिस्तान से खुसूसी तौर पर अल्लामा सैयद शहंशाह हुसैन नकवी साहब ने मजलिस को खिताब किया। खतीब अकबर हजरत मिर्ज़ा मोहम्मद अथर अल्लाहु मकामहु एक बाकमाल शख्सियत से माशरा महरूम हुआ है, एक ऐसी शख्सियत से माशरा महरूम हुआ है कि जिसकी जरूरत अब ज्यादा शिद्दत से महसूस की जा रही थी, जोड़ने वाला भी तो कोई हो। मर्दे फकीह इल्म का पैकर चला गया, खुशबू लुटा के अपनी गुलेतर चला गया, इल्मो अदब का खल्क का मजहर चला गया, मिंबर है सुना साहिबे मिंबर चला गया, बदले में कुछ तलब न किया उसने कौम से, हाँ खुद मताए जीस्त लुटा कर चला गया। ग्राफ एजेंसी की जानिब से सिर्फ मुहर्रम ही नहीं बल्कि दूसरे तकरीबों के प्रोग्रामों का इनेकाद किया जाता है, खसूसी तौर पर उनकी कवरेज करके सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दूसरे ममालिक में भी उनको नशर किया जाता है। जाहिर है कि इन प्रोग्राम के जरिए पूरी दुनिया भर के लोग इन प्रोग्रामों से वाकिफ़ होते हैं। उम्मीद है हमारे प्रोग्राम आपको ज़रूर पसंद आया होगा। उम्मीद करता हूं आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।